मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस द यूनुस अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज क्लास फाइव का स्टेपिंग स्टोन का चैप्टर सेकेंड द थ्री स्पिनर्स, जो कि सूट काटने वाली के बारे में की स्टोरी है, जो कि एक ड्रामा के रूप में है। इट्स जस्ट इंडिकेटर ऑफ द ड्रामा। इसमें नरेटेड है, कुछ करेक्टर है, इसमें पांच करेक्टर है और पांचों करेक्टर के बारे में हम आपको बाद में डील करते हैं। पहले इससे मीनिंग्स की, इस चैप्टर के मीनिंग्स को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऑलरेडी आपके बुक में इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश दिया हुआ है। जस्ट आई वॉन्ट टू गिव सम इन्फॉर्मेशन इन हिंदी। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है यहाँ पर बुक में लकली दिया हुआ है, हिंदी का हो गया भाग्य बस हो जाएगा। कॉमन सेंस का मतलब होता है नॉइज होता है, डैडी का क्या होता है शोरगुल करना होता है या शोरगुल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियस की मतलब होता है मेहनती, मैं लिख दिया हूँ इंडस्ट्रियल मेहनती। ऑलरेडी बुक में हार्ड वर्किंग मेंशन है। इंडेस मतलब क्या होता है जो खत्म ना होने वाला, जो बहुत ही लंबा काम, जिसे मान लीजिए काम है बहुत, टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो खत्म ना होने वाला काम के बारे में मेंशन किया गया यहाँ पर। बैरली का मतलब होता है हार्डली, बड़ी मुश्किल से। और फ्लेक्स का मतलब क्या होता है कॉटन, कॉटन मीन्स का होता है कपास से मतलब है। स्टार मीन्स का होता है अजीब होना, स्टोनीज या सरप्राइज होना। टाइम का मतलब होता है अच्छा महसूस न करना। मॉन्स मीन्स का होता है किसी भी चीज़ पर आंसू बहाने के लिए कहा जाता है। एग प्लांट्स का मतलब होता है बैगन। गिनगिटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस कह सकते हैं। टॉरी का मतलब होता है बहुत ऊंचा या लंबा। और ट्रेडिंग का मतलब होता है कुछ कदम चलते हुए सुनना या दिखाई देना। और होमलेस मीन्स का होता है ज़्यादा होता है। नाउ जस्ट वी कम ऑन द मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर, थ्री स्पिनर्स। इस थ्री स्पिनर्स में जो लेसन सेकेंड है, इसमें पांच कैरेक्टर है। नरेटर वन बैरली, नरेटर टू ग्रेटली, और थर्ड जो हमारा नरेटर है लॉरेंस, जो कि एक लड़की है, छोटी सी है, छोटी सी यू वी कैन से दैट्स एज ऑफ 17 या 18। और एक कैरेक्टर है मदर, जो कि मदर है, जो कि प्रिंसेस और क्वीन से रिलेटेड यहाँ पे है। अब आते हैं नरेटर वन, यहाँ पहला लाइनिंग। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वेरी प्रीटी, यहाँ एक समय की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत, वेरी प्रीटी, वेरी ब्राइट, बहुत ही साफ सुथरा एंड बट वेरी लेजी गर्ल्स नेम लॉरेंस, जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत क्यूट थी, बहुत साफ सुथरी थी, लेकिन लेजी थी, मतलब बहुत आलसी थी। सी लिव विथ हर मदर, जो अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी, इन ए स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स, मतलब स्मॉल कॉटेज मतलब एक छोटे से लकड़ियों का घर था, उसी में वो रहती थी। नरेटर टू, अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा, लॉरेंस मदर मैड लिविंग, कहने वाली, मतलब पहला कहने वाला है, फिर ये दूसरा कहने वाला, लॉरेंस मदर्स मैड लिविंग बाय स्पिनिंग वूल्स एंड फ्लेक्स इन द फाइन थ्रीड। अब जो लॉरेंस की माँ थी क्या करती थी, सूट काटने का काम करती थी, कपास से छोटे बहुत महीन सूते बनाया करती थी, ठीक है। एंड सी वर्क हार्ड, बहुत हार्ड करती थी, बहुत वर्क हार्ड करती थी, बहुत लेबर करती थी। एंड सी नीडेड हर डॉटर्स हेल्प, और वो चाहती थी कि मेरी बेटी भी लॉरेंस की हमारे साथ हमारी हेल्प करे इस सूट काटने में। बट अल्दो लॉरेंस मदर्स बेग एंड प्लीड, लॉरेंस की माँ हमेशा अपनी बेटी लॉरेंस से रिक्वेस्ट करती थी कि बेटा तुम हमारी सहायता करो, क्योंकि अगर हमारा जीवन गुजारने का यही जरिया है, हम इसी से इसको बेच के और इससे हम अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। द गर्ल सिंपली रिफ्यूज, लेकिन वो लड़की जो थी लेजी थी, इसको रिफ्यूज कर देती थी, बोलती थी कि माँ मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, रिफ्यूज टू लिव द फिंगर, अपने उसको चुप काटने के लिए इनकार कर देती थी। एट लास्ट हर मदर लॉस्ट ऑल पेशेंस, और लास्ट में उसकी मम्मी क्या हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। अब नाउ जस्ट कम टू मदर, जो मदर है अब थर्ड नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। मदर, आई गिव अप योर लेजी गर्ल्स, मैं तुम्हें त्याग दूंगी, मैं छोड़ दूंगी ये लेजी लड़की, इफ यू रिफ्यूज द हेल्प मी, अगर तुम मेरा हेल्प करने से इनकार करोगी तो। पुट फूड ऑन द टेबल, खाना टेबल पर रखते हैं। विल ज्वाइन, विल जस्ट हैव टू गो एंड फाइंड यू द ऑन लिविंग, और जाओ और इसको आप ऑन लिविंग आप अपने से रहने की कोशिश करो। नरेटर वन, एट दिस लॉरेंस बिगेन टू क्राई, अब माँ बहुत गुस्सा करती है, बहुत सारी बातें उसको सुनाती है, तो लॉरेंस क्या करती है मतलब रोने लगती है माँ की बात को सुन के। एट दिस लॉरेंस बिगेन टू क्राई एंड द स्क्रीम, क्या हुआ, डर जाती है और रोने लगती है। फॉर्चुनेटली भाग्यवश उसी समय, फॉर द लॉरेंस एट दैट टाइम एट दैट वेरी मोमेंट द क्वीन हैपेंड टू द ड्राइविंग बाय द हर कैरेज। कैरेज का मतलब होता है कि अपने जो गाड़ी पे, जो अपने रथ पर क्यून, उसी उसी राज्य की
उनकी उसी रास्ते से गुजर रही थी एंड सी हियर, उसने क्या सुना, द कम्युनिकेशन कमोशन एंड लुक एट द कॉटेज रोड। कमोशन का मतलब यहाँ पर दिया हुआ शोरगुल, माँ बेटी के बीच में शोरगुल हो रहा था, उस शोरगुल को सुनती है और क्या करती है, नॉक द कॉटेज रोड, मतलब उस कॉटेज छोटा सा जो लकड़ी का घर था वहाँ आके ठकठकाती है और कहती है, कुछ कहती है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यह क्या हो रहा है इतना शोर बुरा, व्हाई इज योर डॉटर स्क्रीमिंग सो, तुम्हारी ये बेटी क्यों रो रही है, क्यों सिसक रही है। तो नरेटर फिर सेकंड, द मदर वाज एसएम टू टेल द क्वीन, मतलब आती है और कहती है दैट हर डॉटर वाज सो लेजी, उसकी बेटी बहुत ही लेजी थी, सो क्विकली शी मेड अप ए लाई, लेकिन वो अचानक झूठ बोलती है। अब मदर बोलती है, आई कैन नॉट गेट द गर्ल्स टू लीव अप द स्क्रीन, नहीं आई कैन नॉट गेट द गर्ल्स टू लीव ऑन स्क्रीन, शी टर्न द व्हील नाइट एंड डे, क्या करती है रात भर दिन भर काम करती है, एंड आई टू पुअर टू बाय फ्लेक्स हर एंड सो द मून, और हम लोग बड़े मतलब गरीबी कंडीशन में रहते हैं, जिससे क्या होता है इसको करने से हमारी जीविका चल सकती है। सो नाउ माय डियर्स, आज यहीं तक पढ़ाते हैं, कल आपको इस नेक्स्ट चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा एंड आई थिंक्स यू हैव टू गॉट, आप मीनिंग को बाय हर्ट कर लेंगे, अभी जितने भी हम पढ़ाए हैं आप स्पेशली 19 पेज तक को ही फॉलो करोगे, कल से फिर मैं स्टार्ट में 20 पेज को शुरू से ही बताऊँगा। So please, thank you, have a nice day, take care, and repeat and remember all things and write in your copy also. Thank you.